हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोमा टियारा में। मैं हूं कुरुबी और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मस्ट हैव विंटर वेयर्स के बारे में। कुछ ऐसी पीसेस जो हम सभी के पास ज़रूर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि इनको आप साड़ी के साथ मैच कर सकते हो, सूट के साथ मैच कर सकते हैं, और तो और इनको आप वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहन सकते हैं। तो ये कुछ पीसेस हम सभी के पास होने चाहिए बट ये कुछ पीसेस ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते हैं, हमेशा ही ये ट्रेंड में रहती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन कौन सी मस्ट हैव पीसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो मस्ट हैव में जो पीस आती है वो है इस तरह का स्वेटर, जो बहुत कॉमन है, बहुत बेसिक स्वेटर है। ज़्यादातर लेडीज़ के पास, गर्ल्स के पास इस तरह की स्वेटर होती है, बट इस स्वेटर की बात करूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह के स्वेटर, क्योंकि इसको ना आप बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। किन किन तरीके से स्टाइल कर सकते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्वेटर की थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो स्वेटर है ना, ये मार्क एंड स्पेंसर ब्रांड से है एंड इसमें मेरा साइज़ है S। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी फिटिंग्स आई है इस स्वेटर की। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इस तरह के स्वेटर ना आपको थोड़ी लूज़ फिटिंग्स में भी मिलती है, थोड़ी अच्छी फिटिंग्स की भी आपको मिलती है। तो जो अच्छी फिटिंग्स की जो स्वेटर होती है, जो भी आपकी साइज़ है उसकी अप्रोप्रिएट, जो परफेक्ट फिटिंग की जो स्वेटर होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसको आप साड़ी के साथ जब आप पहनते हो तो बहुत अच्छा लुक आपको मिलता है, जब आप इसको सूट के साथ, कुर्ती के साथ पहनते हो तो भी बहुत अच्छा दिखता है, और तो और इसको आप जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, बहुत अच्छा लुक मिलता है। तो इस स्वेटर की बात करूँ तो इसका जो कलर है आप देखो, ये ब्राइट पिंक कलर में है। इसका कलर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम हमेशा जब भी स्वेटर ख़रीदते हैं, स्पेशली मैं अपनी बात भी करूँ तो जब भी मैं स्वेटर लेने जाती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ, स्वेटर हो गया या फिर जैकेट्स जो भी लेती हूँ, विंटर वेयर्स जो भी लेती हूँ, हमेशा मैं सोचती हूँ कि जो डार्क कलर्स है अगर उसमें मैं लूँगी तो वो ज़्यादातर ड्रेसेस के साथ मेरा मैच हो जाएगा। बट कभी कभी ना कुछ इस तरह का कलर भी बहुत अच्छा दिखता है। एंड इस कलर की बात करूँ तो ये कलर भी बहुत सारे कलर के साथ मैच हो जाएगा, तो इतनी कोई मुश्किल की बात नहीं है। बट इस डिज़ाइन की बात करूँ तो ये डिज़ाइन ना बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। इसको जैसे मैंने कहा आपको, साड़ी के साथ, सूट के साथ, जीन्स के साथ आप इसको ले सकते हो, बहुत अच्छा दिखता है। तो ये जो स्वेटर है ये मेरे काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा है एंड इसका जो मटेरियल है ना, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत थिन है, बट ऐसा नहीं कि आपको इसमें गर्माहट नहीं मिलेगी, इसमें भरपूर मात्रा में आपको गर्माहट भी मिलती है। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जब भी मैं विंटर वेयर्स खरीदती हूँ ना, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखती हूँ, उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी लेती हूँ, क्योंकि कुर्ती, सूट ये सब चीज़ ना आप हर साल चेंज कर सकते हैं, बट स्वेटर ना आप हर साल नहीं खरीद सकते। और इसमें अगर थोड़ी अच्छी क्वालिटी का आप लेते हो तो वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो इसलिए मैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लेने की कोशिश करती हूँ। तो ये स्वेटर मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा है एंड इसका जो प्राइस हुआ है ना, ये मुझे शायद 1200 का पड़ा है एंड इसको मैंने ऑनलाइन लिया है, तो इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाती है। तो ये मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, इसको मैंने रिसेंटली ही ख़रीदा है। स्वेटर मुझे लगता है मस्ट हैव में आती है, ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसको आप बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मस्ट हैव में जो पीस है वो है इस तरह का लॉन्ग कार्डिगन्स। आप देखो इस तरह का बहुत ज़्यादा ही स्टाइलिश दिखता है, इस तरह का जो कार्डिगन्स होता है ना, लॉन्ग वाले में जो होता है, ये जो है ना, ये डार्क ब्लू कलर में है, नेवी ब्लू कलर में है एंड ये वुलन है। तो बट इसका जो सामने का ये डिज़ाइन है आप देखो, ये कोट की तरह इसका डिज़ाइन है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको जब भी आप किसी भी जीन्स के साथ भी इसको स्टाइल कर सकते हैं, आप सूट के साथ स्टाइल कर सकते हैं, आप साड़ी के ऊपर भी इस तरह की कार्डिगन्स ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देती है। तो इस तरह के कार्डिगन्स भी आपके पास एक ज़रूर होनी चाहिए। आप देखो इसकी बात करो तो ये देखो आप, ये काफ़ी लॉन्ग है एंड मैंने देखा इस तरह की जो कार्डिगन्स होती है, लॉन्ग कार्डिगन्स होती है, स्पेशली जो इस तरह की डिज़ाइन में होती है ना, वो बहुत हाई प्राइस में मिलती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस में मुझे ये मिल गई है, बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट एंड एक स्टाइलिश लुक मिलता है इस तरह के कार्डिगन्स में। तो ये भी मुझे लगता है मस्ट हैव में आती है। नेक्स्ट जो मस्ट हैव में जो चीज़ है वो है इस तरह का ब्लेज़र। ब्लेज़र हमें बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखाता है एंड ये ना एवरग्रीन है, हमेशा ही ये ट्रेंड में रहती है, हमेशा ये हमें क्लासी दिखाती है। तो ब्लेज़र आप ज़रूर अपने पास रखें। अभी मैं आपको बताती हूँ ब्लेज़र को आप कितने तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, बट उससे पहले थोड़ी इस ब्लेज़र की बात कर लेते हैं, मेरी इस बहुत पसंदीदा ब्लेज़र के बारे में। तो ये जो ब्लेज़र है ना, ये आप देखो, ये डार्क ब्लू कलर में, इसका कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
इसकी इसमें आप देखो इस तरह का कुछ सिल्वर आपको दिख रहा होगा, इसमें सिल्वर इस तरह का स्ट्रैप्स किया हुआ है, बट ये ना धागे का है ये, तो ये चीज़ भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। एंड ये भी ब्रांड है, ये है वैन हुसैन, तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है इस ब्लेज़र की। बट इस ब्लेज़र में ना जिन लोगों को थोड़ी फुल गर्माहट वाली ब्लेज़र चाहिए, तो ये उसकी तरह नहीं है, ये थोड़ी थिन फैब्रिक में है, जस्ट ये फैब्रिक ही है इसमें, आप देखो ये। एंड जो इसके अंदर कुछ अलग से लेयरिंग नहीं की गई है, तो मुझे कुछ इस तरह का ब्लेज़र ही चाहिए था, क्योंकि मेरे पास और जो ब्लेज़र है ना उसमें कुछ इस तरह का ही है, जिसमें अंदर अच्छी खासी लेयरिंग की गई है, तो इसमें क्या होता है एक स्टिफ सा फील आता है जब भी आप इसको पहनते हो। बट इस तरह की ब्लेज़र में ना यही अच्छी बात होती है, इसको इसके अंदर आप लेयरिंग कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा गर्माहट चाहिए तो लेयरिंग कर लो, कोई अलग से स्वेटर पहन लो इसके ऊपर, आप इस ब्लेज़र को पहन लो, बहुत अच्छे से आपका हो जाता है। और जो स्लीव है ना इसको आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, जो जो बहुत ज़्यादा जो वार्म वाली जो ब्लेज़र होती है ना उसमें आप ये चीज़ नहीं कर सकते, उसको आप फोल्ड नहीं कर सकते, उसको जस्ट ऐसे ही आप पहन के रहो उस तरह का है। बट इस तरह की ब्लेज़र में क्या होता है ना उसको आप इस तरह से हाथों को थोड़ी फोल्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ज़्यादा गर्माहट चाहिए तो अंदर लेयरिंग कर लो, तो मुझे कुछ इस तरह का ही चाहिए था। इसमें मैंने साइज़ दिया है M, एंड इसका जो कलर है ना ये देखो आप, इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी आप इस तरह की ब्लेज़र वगैरह लेते हो ना तो इस तरह के कलर में लो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई ब्लिंगी सा कोई बहुत ही चटकदार कोई कलर लेते हो तो क्या होता है ना वो ज़्यादा नोटिसेबल हो जाता है, जब भी आप किसी पार्टी फंक्शन में पहनते हो तो दो तीन पार्टी फंक्शन में जब भी आप पहनते हो ना तो वो नोटिसेबल हो जाता है, एंड देखने से ही लगता है जैसे आपने तो वही ब्लेज़र पहन लिया है। बट इस तरह की ब्लेज़र में क्या होता है ना इसके अंदर आप कोई अलग से कोई एक टी शर्ट पहन रहे हो, अलग से कोई स्वेटर पहन रहे हो अलग कलर का, तो इसका जो ब्लेज़र का लुक है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इस तरह की ब्लेज़र को आप साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड स्टाइलिश लुक देता है, वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, एंड कुर्ती सूट के साथ भी आप इसको पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक मिलता है, तो ब्लेज़र ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा। कहा मैं हमेशा इस तरह की जो कब जब भी विंटर वेयर्स खरीदती हूँ तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लेने की कोशिश करती हूँ, तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है एंड पहनने से भी एक अच्छा देखने से जो लुक है आपका वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मेरी ये ब्लेज़र मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, रिसेंटली मेरी बहुत पसंदीदा है। एंड यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें आपको आप लोगों को दिखाए हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर आपको पसंद आ रही है कोई भी चीज़ तो आप चेक कर सकते हैं। ये थ्री पीसेस ना मुझे लगता है मस्ट हैव में आती है, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है विंटर वेयर्स में, बट ये कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखाती है एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, एवरग्रीन है, तो मैंने इन थ्री पीस को मस्ट हैव में रखा है। तो ये था आज का मेरा वीडियो, अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, एंड अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ममा टियारा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।